एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक और हेल्दी स्नैक बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने अंकुरित चना और ये दाल दोनों ले लिया है और उसको इस जाली में रख के ना स्टीम कर लिया है। नीचे पानी है, ऊपर इसको ऐसे स्टीम कर लिया है। तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी इसके वेस्ट नहीं होंगे और उबालने से अच्छा है आप इसको स्टीम कर लें। उबाल के भी लोग बनाते हैं। ये देखिए, जब ये खूब अच्छे से आप एक ना पीस खाकर देख लें, जब ये अच्छा गला हो जाए ना तो आप इसको ये अब तैयार है चना और दाल। अब हम इसको ऑफ करते हैं गैस को और इनको अलग निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। पैन गरम होने रख दिया है। केवल एक छोटी चम्मच घी हमने इसमें डाला है और ये एक नए तरीके से सोचिए आप, मतलब रोज टेस्ट चेंज करता रहना चाहिए, उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आधा चम्मच जीरा डालेंगे हम इसमें, कटी इसमें हरी मिर्च डालेंगे जिसका मैंने बीज निकाल दिया है, कुछ निकाल डालेंगे हम इसमें प्याज, और इसको ना हमें बिल्कुल ऐसे गलाना नहीं है, हल्का सा सौते करना है हाई फ्लेम पर, जैसे हम चाइनीज के लिए करते हैं ना, ऐसे हम इसको हल्का सौते करेंगे। ये देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो बहुत ही कम घी में ये हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी स्नैक बना रही हूँ मैं। मैंने ना दो प्याज को काटा है, तो एक मैंने ऐसे भूनने के लिए रख दिया है, 10-12 ये बीन्स हैं, एक टमाटर है, एक दो छोटी छोटी शिमला मिर्च हैं, और ये हम चाट मसाला जैसे जैसे मैं यूज करते जाऊंगी ना मैं आपको बताते जाऊंगी, ताकि वीडियो जो है ना ज्यादा लंबी ना हो। अब हम इसमें डाल रहे हैं बीन्स, क्योंकि बीन्स थोड़ा देर से गलती है, तो सबसे पहले आप प्याज के साथ ही बीन्स डाल दें। आप देखिए, मैंने कहीं प्याज को बहुत नहीं भुना है, बस हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए उस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। ऐसे ही हम बीन्स कर लेंगे। अब डाल रहे हैं हम इसमें ये शिमला मिर्च जो भी हमने बारीक काट रखी है, जो भी सब्जियां आपके पास हो। अब गाजर अच्छी नहीं आ रही है तो गाजर मैं नहीं डाल रही हूँ, ऑरेंज गाजर आ रही है और मेरे पास थी भी नहीं, आप चाहें तो गाजर डाल सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा नाश्ता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। और मैंने देखिए इसीलिए क्वांटिटी ज़्यादा है कि क्रंची ही रख रही हूँ, नहीं तो वो गल के ना बहुत थोड़ा सा रह जाता है, हल्का सा क्रंची इसको रखेंगे। अब बस कुछ सेकेंड्स में ही शिमला मिर्च हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें ये नमक स्वाद के अनुसार, ठीक है, और थोड़े से मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स, आप अगर पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी बहुत अच्छी लगती है अंकुरित चने के साथ। और अब हम बस एक मिनट के लिए टमाटर ऐसे डाल के, कच्चा भी अच्छा लगता है, बट हम बस कुछ ही सेकेंड्स के लिए इसको ऐसे मिक्स करके पकाएंगे, ठीक है। नमक वगैरह आप देख लेंगे अपना कैसा आपको चाहिए, और हल्का सा मैं डालूंगी इसमें ये चंकी चाट मसाला। सब चीजें ना आप टेस्ट करके देखें तो आप, क्योंकि क्वांटिटी फिर कितनी है, कैसे है, सब्जियां कितनी ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। गैस को करते हैं हम बंद, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं मिश्रण को। ये जो मिक्सचर है हमारा ठंडा हो गया है, हमने इसको गैस से उतार लिया है। 1/4 कप मैंने ये चना और दाल लिया है, तो ये आप जितना चाहें डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा उससे कम डाल रही हूँ ताकि मेरी सब्जियां जो हैं वो ज्यादा हो, चना और दाल कम हो, सब्जियां ज्यादा लगें। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, आधा नींबू, 1 चम्मच नींबू का रस आप डाल दें, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, खटास आएगी थोड़ी सी। ऊपर से डालेंगे थोड़ा कटा हुआ खीरा, एक यूज कर सकते हैं आप, एक खीरा पूरा। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें ये प्याज, एक छोटा खीरा ना आप ले सकते हैं पूरा। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज कटा हुआ कच्चा, और इस समय ना सब कुछ मिक्स करके हम नमक इसका चेक कर लेंगे कैसा है। तो आप यकीन मानिए ये इतना यम्मी लगती है ये चाट अंकुरित चने की वेजिटेबल्स के साथ। तो जैसे आपको कभी होता है ना कि कैसे खाएं क्या खाएं, तो आप थोड़ा ट्विस्ट देके
उस चीज को तैयार कर सकते हैं। इसकी करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए कितना खूबसूरत बाउली बनकर तैयार है। इसको हम फ्रेश पुदीना लीव से करेंगे गार्निश। लग रहा है ना यम्मी? तो आप कोई भी हेल्दी डिश ऐसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और आप ये सोचें कि घी इसमें डाला है तो बिल्कुल हाफ टी स्पून, और ये गुड फैट है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह से अपने नाश्ते में ढेर सारी सब्जियां डालकर खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।